अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करूँगा सब लोग ठीक होंगे। मेरे हाथ में ये OTDR है, JDSU वालों का। इसका मॉडल है MTS 2000। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इस टाइम मेरी मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, तो मैंने कहा कि आज OTDR के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप लोग ये कहेंगे कि OTDR के ऊपर आपकी वीडियो बहुत कम आई है, मतलब वीडियो है ही नहीं। ठीक है जी, चले जितनी देर ये ऑन होता है मैं आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इस OTDR के बारे में। ये देखें जी, यहाँ पर पैच कार्ड लगती है, SC वाली पैच कार्ड लगेगी, SC। यहाँ पर इंटरनेट लगती है, लेकिन ये कोई भी हम इसे यूज़ नहीं करते, यूजेबल पोर्ट नहीं होती हमारे पास। ठीक है जी, ये बंद है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर VFL होती है, लेकिन उन्होंने बंद की हुई है हमारे ऑफिस वालों ने। यहाँ पर इसका चार्जर लगता है, ठीक है जी, इसके जैसा चार्जर है वो आप देख सकते हैं, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट, 3 एम्पीयर मैक्सिमम। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका वो मतलब कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। बाकी इसके नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ ये पेंसिल है, क्योंकि इसलिए ये टच सिस्टम है, ये OTDR जो सा है ये टच सिस्टम है। ये स्टार्ट का बटन है, ये सॉल्ट का बटन है, रिसॉल्ट। ठीक है जी, ये बाकी इसके मैं आपको इसका होम भी दिखा देता हूँ, ये इसका होम है। ठीक है जी, चलो ये हमें यहाँ पर फॉल्ट आया है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाई दूँ कि हम लोग फॉल्ट को कैसे लोकेटते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं OTDR की मदद से। ये आप नीचे देख सकते हैं, इसके नीचे एक रीडिंग आ रही है, ये बताता हमें कि कितने मीटर पर फॉल्ट है, फिर हम उतने मीटर पर फॉल्ट जो था ना अपनी बाइक की मदद से, या फिर बाइक का मीटर की मदद से, या फिर गाड़ी का मीटर की मदद से हम मीटर रीडिंग ले लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और सीधा हम पहुँचते हैं उधर। मेरे पास इस टाइम मशीन है जी 62S+ है, ये मशीन 62S+ है, इस टाइम मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊँगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करता हूँ, आपको पता मैंने यहाँ पर सप्लाईज रखना है, उसके बाद मैंने इसे चेक करना है कि किसके आया, कि किस साइड से मुझे सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा। वो पावर मीटर, ये पावर मीटर है जिसकी मैंने पिक्चर लगाई हुई थी पिछले पावर मीटर में, पिछले जो मैंने बताया था कि मीडिया कन्वर्टर पावर मीटर की वीडियो जो है, इस पावर मीटर की पिक्चर मैंने लगाई हुई थी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस टाइम ना धूप बड़ी है, तो सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मॉर्निंग टाइम है ना, इसलिए ये देखिए जी, ये सिग्नल वैसे ही बताता जाता है, क्योंकि इसलिए जिसका हम इसको हम जितना सनलाइट में करेंगे उतना ये सिग्नल जो है ना वो बताता जाएगा। इसको बेसिक सनलाइट जो है ना वो मिलना चाहिए, यानी कि लाइट की बदौलत ये VF ये सिग्नल जो है ना वो शो करता है। तो मैंने वीडियो थोड़ी सी पॉज कर दी थी इसलिए कि दूसरी साइड से मैं सिग्नल चेक कर रहा था, तो मैंने सिग्नल चेक किया तो मुझे सिग्नल नहीं रिसीव हुआ। तो ये देखे जी, अब आपके सामने मैं इसको लगाने लगा हूँ, स्टार्ट मैंने सिर्फ दबाना है, जैसा कि मैंने मीडिया कन्वर्टर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 13, 10, 15, 50 दो रीडिंग होती है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 13, 10 NM लिखा हुआ है, तो ये जो सर 13, 10 MN है ना, इसका बड़ा साफ रखना होता है। ये देखें जी, आप 13-10 हटा, अब ये दूसरी रीडिंग चल पड़ी है,
दूसरी रीडिंग जो ना एक पहले गई है दूसरी वापस आ रही है, तो ये नोट कर रहा है जी, ये इस टाइम 1550 पे ये इस टाइम चल रही है इसकी रीडिंग। और फाइबर जो सा कट है ना वो यहाँ पर है, जहाँ पर जो ये 816 मीटर पर फाइबर कट है। अब ये मुझे ट्रेसना होगा कि 816 मीटर किस जगह बनता है। अच्छा जी, अब मैं इसकी रीडिंग जो थी ना वो चेंज करूँगा, ये टच मैंने किया ब्लैक हो गया, 1550 है, अब ये 13 10, ये देखें जी ये 13 10 पर आ चुका है, ये 13 10 वाली रीडिंग भी उसी तरफ गई है जहाँ पर वो पहले वाली रीडिंग गई थी 1550 वाली। ठीक है जी, इसको मैं फिर चेंज करूँगा, ये देखें जी अब ये 1550 आ गई, इसको मैं फिर चेंज करूँगा, ये 13 10 आ गई। ठीक है जी, चले जी, बहुत शुक्रिया। ये तो ODDR के ऊपर, ये तो मैंने ODDR के ऊपर एक वीडियो बनानी थी जो मैंने बनाकर आप लोगों को दिखा दी है, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि कम से कम वीडियो मतलब टाइम आप लोगों का आप लोग बोर ना हो, टाइम आप लोगों का कम लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कम से कम मेरे इससे हौसला अफजाई हो जाएगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कुछ मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।